نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने के क्या फ़ायदे हैं। एक शायर कहता है कि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह हम सब को सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने का ये आखिरी जुमा है। एक महीने में चार जुमे आते हैं। तो हमने शुरू में कहा था कि पहले हफ्ते में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के अहवाल बयान किए जाएंगे और सेकंड वीक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शादी के बाद से लेकर के यानी 25 साल की उम्र से लेकर के जो 40 साल तक की उम्र है उसमें किन मराहिल से गुजारा गया, आपने ये जवानी की ज़िंदगी मक्के में कैसे गुजारी, उस पर बात हुई। और तीसरे जुमे को इस पर बात हुई यानी गुज़िश्ता हफ्ते कि 40 साल में अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया, वही का सिलसिला आपके ऊपर शुरू हुआ और आपको हुक्म दे दिया गया कि आप अब तबलीग का काम करें, दावत का काम करें, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, जन्नत की तरफ बुलाने की दावत दें और जहन्नम से बचने की तरगीब दिलाएं। ये तीन हफ्ते हुए, अब ये आखिरी हफ्ता है। इसमें इंशाल्लाह आपकी जो मदनी ज़िंदगी है उसका कुछ मुख्तसर सा खुलासा और इन चारों हफ्तों में हमने जो बातें सुनी उनका क्या मकसद है और हमें किस रुख पर काम करना चाहिए यानी इत्तिबाए सुन्नत, उस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही सच्ची बातें कहने सुनने की और समझकर उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप हजरात ने गुज़िश्ता हफ्ते ये बात सुनी थी कि 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाज़िल हुई और आपने दावत और तबलीग का काम शुरू किया। मक्के के अंदर आप दावत वाला काम करते रहे, मेहनत करते रहे और इस दावत और तबलीग वाली मेहनत में आने वाली रुकावटों को बर्दाश्त भी करते रहे। कितनी तकलीफ़ें आपने उठाई, कितनी मशक्क़तों का आपने सामना किया, एक लफ्ज़ में उसका खुलासा खुद आपने बतलाया, लकद उदीतु फिल्लाहि वमा युज़ा अहद, कि अल्लाह के लिए और अल्लाह के दीन के लिए जितना मुझे डराया गया और जितनी मुझे तकलीफ़ें दी गई दुनिया में किसी को उतनी तकलीफ़ें नहीं दी गई। इससे क्या पैगाम मिलता है, हम सिर्फ सुने ना बल्कि सुन कर के उससे सबक लें और उसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। क्या पैगाम मिलता, हम में से जो मुसलमान ये नियत करेगा कि मैं दावत का काम करूँगा, जो मुसलमान ये नियत करेगा कि मैं अल्लाह के नबी के मिशन का हिस्सा बनूँगा, आपकी लाई हुई शरीयत को बंदों तक पहुँचाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मशक्क़तें ना उठानी पड़े, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। इसकी मोटी सी मिसाल हमारे समाज में जिस महल्ले में हम रहते हैं, वो चाहे जयपुर का ये महल्ला हो या दूसरा महल्ला या दिल्ली के अलावा किसी दूसरे खित्ते और इलाके का कोई महल्ला, आप उठा करके देख लिए जिस जिस इंसान ने इस दावत वाले काम को इख्तियार किया
और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिशें की। अपनों ने और गैरों ने मिलकर, ये अलग बात है, किसी की कम किसी की ज़्यादा मुखालफतें की। ये वो टॉपिक है जिस पर मुस्तकिल तकरीरें हो सकती है, बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद बतलाइए, बड़ी तादाद में जो लोग दीन का काम करते हैं, वो चाहे मस्जिद के मिंबर से करें, वो चाहे मस्जिद की कमेटी में दाखिल होके करें, वो चाहे मदरसा कायम करके करें, वो चाहे दावत और तबलीग का हिस्सा बन के काम करें, उनके सामने कितनी मशक्क़तें आती हैं। इन लोगों के पास बैठ करके कभी आप पूछ के देखिएगा। खुलासा ये है, हम में से हर मुसलमान को ये तय करना है कि हमें दावत वाली मेहनत को करना है। करेंगे इंशाल्लाह। हम ये समझते हैं कि जब ये दावत वाली मेहनत की बात होती है तो शायद इसका मकसद बस ये है कि हम 4 महीने और चिल्ले में और 3 दिन में चले जाएं, वो भी इसका हिस्सा है, अगर वक्त हो तो उसको करें। लेकिन इसका सबसे आसान सा तरीका जिसे हर आदमी कर सकता है वो ये है, हमने नमाज पढ़ ली, अगर हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती हम उसको नमाज की दावत दें। हमने नमाज़ें अदा कर ली, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हम उनको नमाज की दावत दें। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ते हम उनको नमाज की दावत दें। और दावत देने में जो कुरान ने तरीका इख्तियार किया और हमें बतलाया उसको इख्तियार करें, यानी नर्म लहजा इख्तियार करें, वल मौइज़तिल हसना, अच्छी गुफ्तगू करके उसको दावत दे, उसे अपनी नज़रों से गिरा हुआ बिल्कुल ना समझे। ये खुलासा है पिछले हफ्ते की तकरीर और गुफ्तगू का। आपको याद होगी वो बात, बारह तकरीरों में आपने उलमा से सुनी होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो हज किया है जिसे हज्जतुल वदा कहा गया, आप अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए हैं और आप तकरीर कर रहे हैं, सहाबा से आप मुखातिब हैं, और आपने पूरी तकरीर करके आखिर में क्या कहा, फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गाइब, कि यहाँ तुम में से जो लोग मौजूद हैं और जिन्होंने मुझसे ये दीन लिया है, कुरान को लिया है, शरीयत को लिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये दीन दूसरों तक पहुँचा दें। जब सहाबा से हुजूर ने पूछा कि ये बतलाइए, मैंने जो शरीयत अल्लाह ने मुझ पर नादिल की थी तुम तक पहुँचा दी, जो कुरान मुझ पर आया था वो तुम तक पहुंचा दिया, सहाबा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने हक अदा कर दिया। आप फौरन आसमान की तरफ उंगली उठाते हैं और 3 मरतबा जबान से ये जुमला कहते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना इस बात का कि तेरे ये बंदे कह रहे हैं और तू सुन रहा है कि मैंने जो तूने जिम्मेदारी दी थी उस तक पहुँचाने की मुकम्मल कोशिश की, हक अदा कर दिया। तो बतलाना ये है बुजुर्गों, हम में से हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अपने वक्त को फारिग करके इस मिशन का हिस्सा बने। और इस मिशन का हिस्सा सहाबा की तरह अगर नहीं बन सकते और बन भी नहीं सकते तो कम से कम उनकी कॉपी करने की तो कोशिश करें। तकरीबन 1.5 लाख सहाबा हैं और आप देखेंगे 10% सहाबा भी वो नहीं है जो मक्के और मदीने में मौजूद हैं, यानी जिनकी कब्रें वहाँ मौजूद हों। सब ने मक्के को छोड़ा, मदीने को छोड़ा, कोई अफ्रीका के जंगलों में पहुँचा और कोई अमेरिका में पहुँचा, कोई यूरोप में पहुँचा, कोई कहीं हिंदुस्तान और इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में वो फैले, सिर्फ उस तकरीर को सुनकर कि तुम में से जो यहाँ मौजूद हैं वो इस दीन को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो हम भी तो उन्हीं के नाम लेवा है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब जानते हैं अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, हमारे आका आखिरी आका हैं, हमारे रसूल आखिरी रसूल हैं, अब कयामत तक कोई रसूल और नबी नहीं आएंगे। एक दूसरे को भलाई की दावत देना और दूसरों को गुनाहों से रुकने की दावत देना, ये हम में से हर आदमी की जिम्मेदारी है। बहुत से भाई ये समझते हैं कि हम तो खुद गुनहगार हैं, क्या दूसरों को दावत दें, ऐसा नहीं है। हमारे उलमा ने लिखा है कि जब हम दावत वाला काम करेंगे, दूसरों को अच्छी बातों का हुक्म देंगे, दूसरों को गुनाहों से रुकने की दावत देंगे तो इंशाअल्लाह खुद अच्छे काम करेंगे और खुद इस दावत की बरकत से गुनाहों से बचेंगे, ये अल्लाह की मदद आती है। तो इसलिए
हम अपनी ज़ात से इस काम को शुरू करें, अपने घर में इस काम को करें और फिर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाने की कम से कम हम नियत करें कि इंशाअल्लाह इस मेहनत को हम आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह ताला इस दीन को जिसको लेकर के उसने अपने आखिरी नबी को भेजा था पूरी दुनिया के अंदर घर घर पहुँचाएंगे। ये बाज़ाब्ता अहादीस का मजमून है, आएगा ऐसा वक्त। ये तो गुज़िश्ता हफ्ते की तकरीर का खुलासा इसलिए जिक्र किया कि बहुत सारे साथी हर हफ्ते नए भी आ जाते हैं। आपने ये खुलासा सुना होगा, गुज़िश्ता साल भी इस महीने में हम करते हैं सीरत के उन्वान पर तकरीर, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर 40 साल की उम्र में नबूवत मिलने के बाद दावत वाला काम शुरू किया और कब तक करते रहे। मोटी मोटी बातें तो वही हमें मालूम होनी चाहिए, 53 साल की उम्र तक, यानी नबूवत मिलने के बाद 13 साल हुजूर ने मेहनत की है मक्के के अंदर और मक्के के अतराफ में। लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा परेशान किया, ज़्यादा तकलीफ़ें आपको दी, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ए नबी अब आप मक्के को छोड़कर मदीने चले जाएं। चुनाचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के कहने की वजह से, अल्लाह की वही नाजिल करने की बुनियाद पर मक्के को छोड़ते हैं और मदीना पहुंच जाते हैं। याद है ना आप सब लोगों को, इसी काम को कहते हैं हिजरत करना, यानी मक्के को छोड़कर आप मदीने पहुंचे हैं। और ये हिजरत कितनी अहम चीज़ थी और इसकी क्या फजीलत थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया इन्नल हिजरत तहदीमु मा कान क़ब्लहा, कि हिजरत के जरिए आदमी के अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और आप देखिएगा जब हिजरत का हुक्म हुआ तो सहाबा ने अल्लाह के नबी की आवाज़ पर किस दर्जे लब्बैक कहा। अपने घर वालों के सामने उन्होंने बात रखी कि यहाँ चौके ईमान पर अमल करना और इसकी दावत देना बड़ा मुश्किल है, अल्लाह के नबी के साथ हमें मक्के को छोड़कर मदीने जाना है। अगर घर वालों ने इसको माना तो ठीक, वरना सहाबा की बड़ी तादाद वो है जो अपने घर के न जाने कितने अफराद को छोड़कर, अपनी ज़मीनों जायदाद को छोड़कर, अपने खेती बाड़ी को छोड़कर हुजूर के कहने पर मक्के को छोड़कर मदीने पहुंच गए। इससे क्या पैगाम मिलता है हमें, जब इस्लाम का हुक्म हमारे सामने आ जाए तो अब हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इस इस्लाम के हुक्म पर अमल करने की वजह से मेरे घर वाले छूटते हैं या मेरा कारोबार छूटता है या मेरी खेती बाड़ी छूटती है या मेरा बिजनेस का नुकसान होता है। अगर एक तरफ इस्लाम का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, तो हमें उस हुक्म को फॉलो करने के लिए दुनिया की तमाम तर ताकतें और दुनिया की तमाम तर चीज़ें कुर्बान कर देनी चाहिए। इसी का नाम है इस्लाम और इसी को कहते हैं इताअत, यानी अल्लाह की और अल्लाह के नबी की मान कर ज़िंदगी गुजारना। सहाबा में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इस हालत में गए थे हिजरत करके कि कुछ बच्चे मक्के में रह गए हैं और कुछ साथ चले गए हैं। यहाँ तक हुआ कि कारोबार सारा मक्के में रह गया और खाली हाथ मदीने में पहुँचे। दूसरी तरफ मदीने जब पहुँचते हैं ये हजरात, तो आप जानते हैं कि वहाँ जमात है उन लोगों की जिनको हम कहते हैं अंसारी सहाबा। अंसार सहाबा का मतलब वो लोग जिन्होंने इन मक्के को छोड़कर आने वालों की मदद की, और मदद किस दर्जे की, यहाँ तक लिखा है मुअर्रिखीन ने कि अगर किसी ने ये देखा कि ये जो मेरा भाई ईमान वाला सिर्फ ईमान की वजह से मक्के को छोड़कर आया है और इसके पास यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ तक कह दिया भाई ये मेरा खेत है, आधे में तुम खेती करो और आधे में मैं खेती करूँगा। इससे क्या पैगाम मिलता है, दोनों चीज़ों को हम अगर मिलाएंगे, पहला पैगाम अगर किसी जगह किसी मुसलमान के लिए शरीयत पर अमल करना पॉसिबल ना हो तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहाँ वो इस्लाम के ऊपर अमल कर सकता हो। आजकल खुलकर ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, बड़ी तादाद में मुसलमानों के हाई एजुकेटेड लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों में एज ए इंजीनियर या किसी और फील्ड में जॉब करते हैं, कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो उनका मिजाज क्या बन जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि मुसलमानों के महलों में गंदगी रहती है लिहाजा वहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, साफ सोसाइटी में। कौन सी सोसाइटी में, जहाँ
अजान की आवाज़ उनके घर तक भी नहीं पहुंचती। ये इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लाम के ऊपर अमल करना जिस जगह रह करके ज़्यादा मुमकिन हो मुसलमान को वहाँ रहना चाहिए। ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता वरना बात इधर उधर हो जाएगी। खुलासा ये है कि इस हिजरत के दर्स से हम मुसलमानों को ये पैगाम मिलता है कि अगर किसी जगह हम रहते हैं और हमें पता है कि यहाँ रहेंगे तो हम कुरान पर अमल नहीं कर पाएंगे, शरीयत पर खुलकर अमल नहीं कर पाएंगे। मसलन किसी कंपनी में हैं आप, गुड़गांव की बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ लोगों ने हमें खुद ऐसे वाकयात बतलाए जिन्होंने अपने मुलाजिमीन से कहा कि साहब आप दाढ़ी कटवा दीजिए वरना आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो हम मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है कि रोज़ी का मालिक अल्लाह है, हम रिज़ाइन देंगे लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम शरीयत को एक तरफ कर दें। यह है इस्लाम। इस हिजरत के पैगाम से यही पैगाम हम मुसलमानों को लेना है कि जिस जगह रह कर के इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो रहा हो उस जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं, वो चाहे इलाका हो या घर हो या कोई खित्ता हो या कोई कंपनी की मुलाजमत हो। ये पैगाम मिलता है और मदीने में सहाबा ने इन लोगों का वेलकम किया, इन लोगों का इस्तकबाल किया और बाज़ाब्ता मदद की। इससे हम मुसलमानों को ये पैगाम मिलता है कि हम मुसलमान एक दूसरे की मदद जितनी मुमकिन हो करने की आदत डालें। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी मुस्तकिल फ़दीलतें बयान फरमाई है। इस पर एक दो बातें मैं जिक्र करके बात आगे बढ़ाता हूँ। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 13 नंबर पर जिक्र किया और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ में 95 नंबर पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए उन चीज़ों को पसंद ना करे जिनको वो अपने लिए पसंद करता है। यह है एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के काम आना। इसको मैं इस अंदाज से जिक्र करूं, हम मुसलमानों में कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि हम जब मस्जिद में आए हैं नमाज पढ़ने के लिए चप्पल गेट पर निकाल कर तो हमारे चप्पल के ऊपर कोई चप्पल रख कर के उसको गंदा करे। पसंद करते हैं? करते हैं? नहीं करते। तो हम मस्जिद से निकलते हुए दूसरों के चप्पलों पे चप्पल रख के क्यों जाते हैं? मतलब आप हंस रहे हैं कुछ लोग, मिसाल में तो कोई भी चीज़ दी जा सकती है। आप यकीन करें बाज़ लोगों के शूज़ इतने महंगे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज़, कि अगर उनके ऊपर गंदे चप्पल आप रख दें गारे वाले तो वो शूज़ हमेशा के लिए ख़राब ही हो जाते हैं। और यहाँ होता है आए दिन। तो आज हम ये तय करें कि जब हम इस बात को पसंद नहीं करते कि कोई हमारे शूज़ या चप्पल गंदे करे तो हम दूसरों के भी ना किया इरादा कर लें। हम इस बात को पसंद नहीं करते अगर एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पर 3 या 4 फ्लैट हैं तो हम इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई हमारा पड़ोसी अपने घर का कूड़ा साफ करके हमारे गेट पर छोड़ दे। करता है कोई पसंद? कोई नहीं करता। तो हम ये तय कर ले कि हम भी किसी के गेट के आगे कूड़ा नहीं छोड़ेंगे। बस यही है इस्लाम, यही है सहाबा ने जो मदद की थी एक दूसरे की। और इसका फ़ायदा और इसकी फजीलत जितनी चाहे आप बयान कर ले, अपनी तरफ से ना करें, हदीसों का हवाला लेकर के कर ले तो वही बात पूरी नहीं हो सकती। एक रिवायत बड़ी मुफस्सल है, उसके 3-4 हिस्से में जिक्र करूँ। मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत है 2699 नंबर पर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन नफ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबी यौमल क़ियामा, कि जो मुसलमान किसी ईमान वाले की तरफ से एक परेशानी को दूर करेगा अल्लाह कल क़यामत के दिन उससे एक परेशानी को दूर करेंगे। यह एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के काम आना। वो परेशानी कुछ भी हो, हम रोड पे चल रहे हैं, हमने देखा कि कोई बंदा है उसकी बाइक ख़राब है, बाइक को खींच रहा है, पेट्रोल ख़त्म है या कोई और प्रॉब्लम है, हमने अपनी गाड़ी रोकी और हमने गाड़ी रोक करके उसकी जो भी हमसे हेल्प हुई वो हमने हेल्प कर दी, पैर लगाया पेट्रोल पंप तक पहुँचा दिया। आजकल चलता है
अपनी गाड़ी से तेल निकाल करके दे दिया, जो भी हमसे हुआ, अगर हमने इस हदीस को बुनियाद बना करके किया, यानी इसलिए किया कि हमारे इस अमल से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो क्या मतलब है रिवायत का, हमने उसकी एक परेशानी को दूर किया, कयामत के दिन अल्लाह हमारी परेशानी को दूर करेंगे। और कयामत की परेशानी बहुत भारी होगी, वहाँ अगर अल्लाह परेशानी को दूर कर दे तो कितने मज़े आएंगे। इरादा करें कि हम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात आपने मदद के ताल्लुक से फरमाई, वमन यस्सर अन मुक्सिरिन, कि जो आदमी किसी तंग दस्त से आसानी का मुआमला करेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन और दुनिया के अंदर भी उसके साथ आसानी का मुआमला करेंगे। बनू इसराइल के एक आदमी का किस्सा अहादीस के अंदर आता है कि एक साहब थे, उन्होंने अपने मैनेजर से ये कह रखा था कि अगर कोई आदमी उधार माल लेने के लिए आए तो मना मत करना, और अगर वो वक्त ले आपसे कि मैं इस वक्त तक आपको पे कर दूंगा, और वो फिक्स मुद्दत आ जाए और वो ना दे पाए, तो वो अगर मोहलत मांगे तो उसे और मोहलत देना। ये मालिक ने मैनेजर से कह रखा था। इत्तिफाक ये हुआ कि वो आदमी इंतकाल कर गया, तो ये मज़मून किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उस आदमी की इसी बिना पर मग़फ़िरत फरमा दी कि तुम्हारे अंदर ये आदत थी कि तुम हमारे तंग दस्त और परेशान हाल बंदों की मदद किया करते थे और तुम उनके साथ आसानी का मामला करते थे। अब यहाँ जो कारोबारी लोग बैठे हैं, हम कोशिश करें कि हम इस तरीके का कारोबार करें। आगे तीसरे नंबर पर आपने फरमाया, मन सतर मुसलिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो मुसलमान किसी मुसलमान के ऐब और उसकी कमी को छुपाएगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी कमियों को छुपाएंगे। मैं तो यहाँ ये कहूँगा आप हजरात से, अपने आप से भी, कि अगर किसी की कमी को छुपा नहीं सकते तो किसी के अंदर कमी ना निकालें। अजीब बात है, हमारे यहाँ ये क्या है, अपने गिरेबान में झांकते नहीं कि हम कितने बड़े मुजरिम हैं, लेकिन अगर किसी आदमी की कोई बात हमें मालूम हो जाए तो हमें अगरचे शक है कि ऐसा हुआ है या नहीं, उसे चलता कर देते हैं मार्केट। इसको मैं और वाजे करूं, एक आदमी ने हमसे कहा कि वो आदमी गलत है, हमें नहीं पता कि वो आदमी सही है या गलत, हमारा कोई लेन देन ही नहीं हुआ। जब लेन देन नहीं हुआ तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सही है या गलत। एक आदमी ने हमसे कहा तो हमें डाउट है कि वो सही है या गलत, हमें क्या हक है इस बात का कि हम मार्केट में चलती कर दें ये बात कि वो आदमी गलत है। पहले हम उससे मामला करें, तहकीक करें। वरना याद रखें, हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जहन्नम की वादी में डाल करके कैद कर देंगे, जिस आदमी ने किसी को जलील और बदनाम करने के लिए उसके बारे में कोई बात कही थी, और अल्लाह ताला कहेंगे उसे साबित करो, और उसको साबित वो नहीं कर पाएगा। यह है कि हम मुसलमानों में अगर किसी मुसलमान को किसी की कोई कमी मालूम हो जाए कि वो आदमी गलत है, वो आदमी फुला गुनाह में मुब्तला है, तो हमारी ये जिम्मेदारी तो बनती है हम उसको समझाएं, हम उसको दावत दें, अलग में बैठ के समझाएं, उसको बुलाएं दीन की तरफ, अच्छे अमाल की तरफ, लेकिन हम मार्केट में उसको जलील ना करें। वरना हो सकता है इसका नुकसान ये हो कि अल्लाह हमें उससे ज़्यादा जलील कर दे। और हदीस में है ये मज़मून कि जो आदमी ये हरकत करता है अल्लाह ताला उसको लोगों की नज़रों में इतना जलील कर देते हैं कि कुत्ते और खिंजीर से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू गिरा देते हैं। यह हदीस का तर्जुमा है बाज़ाब्ता। तो हम ये सब तय करें कि किसी मुसलमान की कमी को मालूम भी हो जाए तो इंशाअल्लाह इधर उधर चलता नहीं करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। आगे आपने फरमाया, ये लंबी रिवायत है लेकिन वक्त हो रहा है तो मैं एक आखिरी बात इस रिवायत की जिक्र कर दी। आपने फरमाया, वल्लाहु फी औनी अल-अब्दि मा काना अल-अब्दु फी औनी अखी, कि जब तक कोई बंदा अपने किसी भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की कंटिन्यू मदद करते रहते हैं। तो एक दूसरे की मदद करना ये इस्लाम ने हमें सिखलाया, इसलिए कि जब मक्के से सहाबा मदीने पहुँचे हैं हिजरत करके, तो अल्लाह के नबी के सहाबा ने सबसे पहला काम जो किया था वो उनकी मदद का किया था। ये पैगाम हमें हिजरत के
जाने से और उधर मदीने वालों के वेलकम करने से मिलता है, जो हम में से हर आदमी को इख्तियार करना चाहिए। अब हुआ क्या, अल्लाह के नबी ने जब मदीने की जानिब हिजरत फरमाई तो इतनी मेहनत की दावत वाले मिशन में कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुलासा ये कि मेहनत तो करते थे, मगर मेहनत के साथ साथ आपने अपने अच्छे अखलाक मदीने वालों के सामने रखे, यानी अखलाक में एक दूसरे को माफ़ करना, ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की, जो मदीने की ज़िंदगी है, सबसे नुमाया खसूसियत है। हम अपना ये मिजाज बनाएं कि हमारी अगर किसी से अनबन हुई है, लड़ाई हुई है, तो उसे ज़्यादा लंबा ना खींचने दें, छोटा बनकर के माफ़ी मांग ले, अपने दिलों को साफ कर ले। यही पैगाम है अल्लाह के नबी की मदीने की ज़िंदगी का। और आप देखिएगा हुजूर ने क्या किया है वहाँ जाने के बाद। आपको एक किस्सा याद होगा कि जब मक्कतुल मुकर्रमा फतह हुआ, आप देखिएगा ये वो लोग हैं मक्के वाले जिन्होंने हुजूर को गालियाँ दी, पत्थर मारे, जुल्म किए और मक्के से जाने पर मजबूर किया। और एक दिन वो आया कि मक्का फतह हुआ। अब जब मक्का फतह हुआ तो सहाबा की ज़बान पर क्या अल्फाज थे जो होने भी चाहिए थे, अल्यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदले का दिन है, आज हम फातह बनकर के मक्के में आए हैं। जब अल्लाह के नबी ने ये बात सुनी तो फरमाया कि नहीं, ये मत कहो कि आज बदले का दिन है, बल्कि ये कहो कि आज माफ़ी का दिन है। और आपने फिर फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमीन, कि जो अबू सुफियान के घर में भी दाखिल होगा हम उसको भी माफ़ कर देंगे, और आज हम किसी से पकड़ धकड़ का मामला नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे। अगर हुजूर चाहते तो वो जो उन्होंने जुल्म किए थे उनका जवाब आज ईंट और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि चट्टानों से दे सकते थे। आपके पास ताकत थी, कुव्वत थी, फातह बन करके गए थे, मगर हुजूर ने क्या किया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। हुजूर के इस नमूने को इख्तियार अगर दुनिया में किसी ने किया है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने किया है। याद होगा आपको जो हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जितने भी कैदी थे, अमेरिका के हों या दूसरे मुल्कों के हों, जेलों के अंदर जितने लोग थे, जब हुकूमत आई कि अब ये इस्लामी हुकूमत है और मक्के के पैगाम से हमें ये पैगाम मिलता है लिहाजा सबको माफ़ कर दिया जाए, तो हम ये इससे पैगाम हासिल करें कि अगर हमारे पास कोई ओहदा आ जाए, कोई ताकत आ जाए, तो हम अपने मातहतों के अंदर इंसाफ का मामला करें और अपने दिल को साफ करके माफ़ी वाले निज़ाम को हम कायम करें, इससे इस्लाम ज़्यादा फैलेगा। हम इसका यकीन कर भी लेते हैं और करना भी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि साहब मदीने में हुजूर जब गए हैं तो जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई, हुनैन हुई, बहुत सारी जंगें हुई हैं, तो हम ये कहते हैं कि जनाब इन जंगों का पस मंज़र और बैकग्राउंड क्या है आप उसको पढ़िए। ये जंगें इसलिए नहीं लड़ी गई कि इन जंगों के ज़रिए हमें इस्लाम फैलाना था। हमारे इस्लाम में जो फतूहात का सिलसिला है वो अखलाक की वजह से है, तलवार की वजह से इस्लाम नहीं फैला बल्कि अखलाक की बुनियाद पर फैला है। ऐसे न जाने कितने वाकयात हैं जिनकी तफसील में मुझे नहीं जाना। आखिरी बात ये जिक्र करनी थी चंद मिनट में कि ये जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी है, यानी मक्के के अंदर आपने 13 साल दावत दी और फिर मदीने के अंदर आप 10 साल रहे और 63 साल की उम्र में इस दुनिया से आप रुख्सत हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस पूरी ज़िंदगी से हम मुसलमानों को ये पैगाम मिलता है कि हम हुजूर की ज़िंदगी को अपनाएं। इसके बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है, इसके बगैर कामयाबी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि कुरान करीम ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम लोगों के लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में एक बेहतरीन आइडियल है। हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूने की हैसियत रखती है, इसलिए हम अगर बचपन में अपने बच्चों का नाम रखना चाहें, मैं चंद चीज़ें जिक्र कर दूँ, तो हम ये देखें कि हुजूर ने बच्चों का नाम किस बुनियाद पर रखा। हम अगर बच्चों का अकीका करें तो ये देख करके करें कि हुजूर ने बच्चों का अकीका कैसे किया, हसन हुसैन का अकीका। हम अगर बच्चों की शादियां करें तो ये देख करके करें कि हुजूर ने बच्चों की शादियां किस तरीके से की। हम ज़िंदगी में जो भी काम करें वो हुजूर के तरीके को इख्तियार करते हुए करें, इसलिए कि काम तो करना ही है,
शायद मैंने इससे पहले भी ये मिसाल दी हो, हम लोग खाना खाते हैं, भूख लगती है तो खाना खाना ही है, मजबूरी है भूख को दूर करने के लिए। दस्तरखान बिछाकर खाएंगे तो भी खाना खाया जाएगा, बगैर दस्तरखान के खाएंगे तो भी खाना खाया जाएगा। अगर हमने दस्तरखान बिछाकर खा लिया तो हुजूर की सुन्नत जिंदा होगी और हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा होगी। इसलिए हर हर काम को हम सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें और सहाबा के वाकियात से इबरत हासिल करें। क्या है वाकियात? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, जब नमाज के लिए आ रहे थे तो हुजूर ने ऐलान किया कि जो जहां खड़ा है वो वहीं बैठ जाए, भीड़ ज़्यादा थी। अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते में थे, अभी मस्जिद के करीब भी नहीं आए थे, वहीं बैठ गए। हुजूर ने बाद में मालूम किया कि भाई तुम रास्ते में क्यों बैठ गए थे? कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपकी आवाज़ मेरे कानों में आ जाए कि जहाँ जो हो बैठ जाओ और उसके बाद में मैं एक कदम आगे बढ़ा दूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये था सहाबा की ज़िंदगी में हुजूर की सीरत को इख्तियार करने वाला जज्बा। आपको याद होगा हजरत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला, बड़े मशहूर सहाबी हैं, फारिस के अंदर किसरा के अंदर कितनी बड़ी ताकत और सल्तनत थी। जब वहाँ हमला किया गया तो इनको तर्जुमान बना करके भेजा गया। ये वहाँ जब पहुँचे, दस्तरखान पर खाना खा रहे थे, गैरों से बात करने का मौका था तो दस्तरखान पर खाना हाथ से गिर गया। इनको याद आया कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि दस्तरखान पर खाना गिर जाए तो उठा करके खा लो, इसलिए कि तुम नहीं जानते, क्या पता उसी खाने में बरकत हो जो गिरा। इन्होंने उठाकर जब खाना शुरू किया, पड़ोस में जो बैठा था उसने कोहनी मारी कि तुम इतनी बड़ी ताकत के दस्तरखान पर बैठे हो और दस्तरखान से खाना उठा के खा रहे हो, ये इसको अच्छा नहीं समझेंगे। क्या फरमाया था? अतुरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाई रहमाता, क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत और तरीक़े को छोड़ दूँ? ये मुझसे नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जानते हैं, उनको एलची बनाकर जब मक्के के अंदर भेजा गया तो उनकी एक आदत थी कि टखनों से ऊपर नहीं बल्कि आधी पिंडली के ऊपर पजामा पहनते थे, जो सुन्नत का आला दर्जा है। जब मक्के में दाखिल होने लगे और दाखिल हो गए तो चचेरे भाई आपके आए और कहने लगे कि उस्मान, मक्के के लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते कि आदमी टखनों से ऊपर पजामा पहने, आपकी शान में कमी आएगी, इसलिए आप टखनों से नीचे पजामा लटका ले। आपने भी वही जवाब दिया था जो हजरत उस्मान का जवाब था। क्या फरमाया? अगर मेरे हबीब की सुन्नत पर अमल करने की वजह से मेरी इज्जत में कमी आएगी तो फिर मुझे इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा यकीन है कि अगर इज्जत मुझे मिलेगी तो हुजूर की सुन्नत को ज़िंदा करके मिलेगी। मैं उन मुसलमानों को इन तीन वाकियात से ये पैगाम देना चाहता हूँ जो गैरों के इलाके में, कनाट पैलेस में, लाजपत नगर में या किसी बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर जॉब करते हैं किसी गैर मुस्लिम कंपनी में और हाथ में धागा इसलिए बांध लेते हैं कि कोई हमें मुसलमान ना समझे। नाम अपना टिंटू और पिंटू और बंटी और संटी, सोनू मोनू हम रख लेते हैं, सिर्फ इसलिए अपना नाम छुपाते हैं कि अगर हमारा मुसलमान नाम जाहिर होगा तो ये हमारी इज्जत नहीं कमी करेंगे। क्या सितम ज़रीफ़ी है बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों। आप बताइए, कांवड़ यात्रा के मौके पर जो योगी हुकूमत ने नंगा नाच नाचा है, सारी दुनिया ने उस पर थू थू किया। मेरा तो दिल ये चाहता था उस मौके पर आपसे कहूँ, और कहा भी था, आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ। हर मुसलमान अगर ये तय कर ले कि चेहरे पर मैं दाढ़ी रखूँगा, हर मुसलमान अगर ये तय कर ले कि अपने सर से मैं टोपी नहीं उतारूँगा, हर मुसलमान अगर ये तय कर ले टखनों से ऊपर मैं पजामा पहनूँगा, हर मुसलमान अगर ये तय कर ले कितनी भी बड़ी कंपनी के अंदर मैं काम करूँ अपना नाम नहीं छुपाऊँगा और अपने बदन के अंदर कोई ऐसी अलामत जाहिर नहीं करूँगा जिससे मुझे लोग गैर मुस्लिम समझे, इस तरीके के अंदर इज्जत पैदा होगी, इसी तरीके के जरिए अल्लाह हमें सुकून अता फरमाएंगे। और ये बात कहकर मैं बात ख़त्म करूँगा कि मुसलमानों, याद रखना, अगर हम अपना रूप बदल कर, अपना भेष बदल कर, अपना नाम बदल कर, अपनी शनाख्त बदल कर गैरों के जरिए इज्जत हासिल करना चाहते हैं या गैरों के जरिए बचना चाहते हैं तो इससे बेहतर यह है अपना नाम जाहिर करके, हुजूर की सुन्नत को जाहिर करके हम अपनी मौत को सलाम कर लें।
ये तरीका है मुसलमानों के ज़िंदगी गुजारने का। इसी इत्तिबाए सुन्नत पर अगर हम अमल करेंगे तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। वरना मेरे बुजुर्ग को याद रखे, सुन्नत पर अमल किए बगैर कोई मुसलमान इज्जत हासिल नहीं कर सकता। आप बतलाइए, आपसे अगर कोई सवाल करे, अभी हमारे हजरत ने इसी टॉपिक पर बात करते हुए पिछले हफ्ते बिजनौर में एक जगह मालूम किया कि मैं अगर तुमसे ये मालूम करूं कि दुनिया का सबसे इज्जतदार आदमी कौन है, तो सब क्या जवाब देंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सुकून की लाइफ गुजारने वाला कौन है, सबका जवाब होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम मुसलमान भी तो चाहते हैं सुकून की और इज्जत की ज़िंदगी गुजारें, तो ये सुकून और इज्जत हुजूर के तरीके के अलावा कहीं और हमें नहीं मिल सकता। ये हमारा अकीदा है और ये हमारा यकीन है। अल्लाह ताला मरते दम तक हुजूर की सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।